आज मैं वनीला केक बना रही हूँ। क्रिसमस कल है तो मैं वादा की थी कि मैं क्रिसमस के पहले बनाऊंगी। तो मैं ये आधा कप दही ली हूँ और ये बिल्कुल एगलेस बना रही हूँ और ये आधा कप दही ली हूँ और इसमें मैं एक कप पाउडर शुगर डाली हूँ। ये मैं पीस ली थी पाउडर शुगर और दही को मैं देखिए बहुत अच्छे से फैट दी हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें आधा 1/4 कप रिफाइंड ऑयल डाल दी हूँ। देखिए इसमें मैं एक टिन में चारों तरफ ग्रीस कर दी हूँ। थोड़ा सा मैदा चारों तरफ डाल के और इसे निकाल देती हूँ। इसमें सिरका भी डाल दी हूँ, ये वाइट वेनेगर मैं डाली हूँ, थोड़ी सी नमक भी डाल दी हूँ। और नेक्स्ट मैं इसमें ये देखिए सारे कुछ डाल दी हूँ और छन्नी रख के मैं 1 कप मैदा छान देती हूँ और धीरे धीरे मैं इसे मिक्स कर देती हूँ। देखो मैं अच्छे से फैट दी हूँ और दूध मैं इसमें आधा कप डाली हूँ और फैटते जा रही हूँ। वनीला एसेंस डाल दी हूँ फिर फैट देती हूँ। कंसी देखिए ऐसा होना चाहिए आपका, देखिए बिल्कुल सही कंसिस्टेंसी है। अब मैं इसमें 1 चम्मच इनो डाल देती हूँ। अभी मेरे पास कुछ और है, इस पे थोड़ी सी पानी डाल देती है, देखिए एक्टिवेट हो जाएगा। और अब इसे ज़्यादा फटना नहीं है, बस कट एंड फोल्ड करना है। और इसे मैं ये देखिए गर्म हो रही है हमारी, मैं ढक्कन रख दी हूँ क्योंकि इसमें हमारी जाली जाती नहीं है। और नहीं डाले किनारे किनारे मत करें, ये देखिए टैप कर दी हूँ ताकि इसके जो एयर बबल्स है वो साइड से निकल जाए। और इसे फटाफट मैं इसे बर्तन में डाल देती हूँ और ढक के मैं इसे लो टू मीडियम फ्लेम पे 25 से 30 मिनट तक छोड़ देती हूँ। hey गाइस 30 मिनट हो गया और मैं इसे चेक करती हूँ। आप देखिए कितना स्पॉन्जी हमारा केक बना है, ये देखिए पूरा निकल रहा है, थोड़ा बहुत हल्का सा लग रहा है, बीच पे थोड़ा और पकेगा, मैं इसे छोड़ देती हूँ। गाइस ये देखिए हमारा केक तैयार हो गया, वनी मैं इसे पलट दी हूँ। वाओ देखिए कितनी मस्त केक बनी है, आप देख सकते हैं। वाओ देखिए कितनी स्पंजी केक बनी है, वनीला केक। मैं बोली थी कि मैं वनीला केक लेके आऊँगी, देखिए कितनी मस्त बनी और कितना जल्दी मैं इसे बनाई। और मैं इसे कट करके दिखाती हूँ, तो देखिए गाइस मैं इसे कट कर दे रही हूँ। वाओ तैयार हुई है, आप देख सकते हैं। ये देखिए कितनी स्पंजी बनी है, बिल्कुल रुई की तरह मखमली हमारी केक बनी है, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको आज की वनीला केक की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल चंदा दी रसोई 24। और फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।